सब तो पहली गल टेम्पलेट दी दो लाइना ने, सब तो पहली ब्लैंक्स, ठीक है, उस तो बाद एंड रीसेंट स्टडीज हैव नॉट ओनली रिवील्ड दैट, ठीक है, दैट तो बाद फिर तुसी कोई लाइन लिखनी है और लाइन तो बाद एक कोमा होगा, उस तो बाद एक कनेक्टर यूज होगा, बट आलसो दैट तो बाद एक फिर लाइन होगी, फिर लास्ट ते फुल स्टॉप। सब तो पहली चीज आ तुसी कोई लाइन चकनी है सब तो पहला, और लाइन लेके कोई लाइन जड़ी होनी चाहिए ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हूं लाइना क्यों गलत हो जाए, राइटिंग की समरी के क्यों मार्क्स डाउन आते, बच्चे मैंने आम तौर पर क्वेश्चन सुन मिलता वा कि राइटिंग की समरी के लाइना चक लें, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते ग्रामेटिकल एरर्स, मैं दसना चाहना कि अपने जिम्मे आप करते होंगे क्वेश्चन, पंजाबी क्वेश्चन होंगे ना लास्ट से आगे चीज़ को कहा जाता करके इस चीज़ को आ चीज़ कहा जाता है। हुण आपां मेन इंपोर्टेंट लाइन तो छड़ दिंदे आ, पिछों लाइन पिक कर लैंदे आ, हुण जे हिंदी हिंदी वाले बच्चे नूं इह चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, जिहड़ी मैं पंजाबी च लाइन बोल गया हिंदी च भी समझा दिंदा वा, हिंदी च जिवें आपके होता है ना कि इसलिए इस चीज को ये कहा जाता है, हम मेन लाइन तो उठाते नहीं है, कोई सेंस वाली लाइन तो उठाते नहीं है, लाइन के आखिर वाली लाइन जो होती है हमको लगता है इस लाइन में कोई कनेक्टर नहीं यूज हुआ, कोई फॉर्म नहीं यूज हुई, हम वो लाइन उठा लेते हैं, इसलिए इस चीज को ये चीज बोला जाता है। That's why मैं यही चीज नूं कहना चाहुंदा हां कोई आपां इंपोर्टेंट लाइन नहीं ना चक देंगे, आपां कोई सेंसलेस लाइन चक लैने आ, अपना वो पंजाबी च मतलब आ वो समरी दा सिट्टा कढ के लिखो, इंग्लिश दे विच जिहनूं आपां कंक्लूजन कह दिंदे आ, कंक्लूजन हमेशा इंपोर्टेंट लाइनस दा पढ़ के लिखना चाहिदा वा कि निचोड़ की आ, हुण कोई सेंसलेस लाइना चक लोगे तां ऑब्वियसली विच उहदी मिस्टेक्स तां होणगीआं ना यार, ठीक आ, तां ही कहिंदा हुणा राइटिंग दी समरी नूं पढ़ के ते कोई लाइनस जिहड़ियां इंपोर्टेंट हुंदीआं वा उहनां नूं नोट करिआ करो इन्हां लाइनां दे विच, आ समरी जिहड़ी हैगी आ ना इह समरी दा जिहड़ा कनेक्टर तुहानूं दित्ता वा 101% इह कनेक्टर वर्क करूगा, इह कनेक्टर तुहानूं डिजायर स्कोर दिवाउण दे विच वी हैल्प करूगा। हुण सब तो पहली गल आ किहड़ियां लाइनां आपां पिक नहीं करनियां है, सब तो पहली गल आ किसी लाइन के पिछे आपां नूं क्वेश्चन मार्क होवे, ठीक है, वह लाइन आपां पिक नहीं करनी है, किसी लाइन के विच कोई हुण कोई वर्ड के विच स्लैश होवे वह आप पिक नहीं करनी है, कोई ब्रैकट वाली लाइन होवे आप ब्रैकट नहीं पाउणी है, सब तो रोंग चीज़ है जे ब्रैकट पाओगे तो गलतियां होणगियां, किसी भी तरीके का कोई हाइफन वगैरह उन्होंने आप यूज नहीं करना गा, किसी भी तरीके की नंबरिंग होगी, ठीक है, उन्होंने आप यूज नहीं करनी, किसी भी तरीके की कोई भी नंबरिंग होगी, हम किसी भी तरीके की शॉर्ट फॉर्म होगी उन्होंने भी आप यूज नहीं करना गा, इदा दीज़ा का ध्यान रखना, आप सिर्फ चीज़ को कि यूज कर सकते हैं राइटिंग की समरी के सिर्फ और सिर्फ कोमे वगैरह में, कोमा वगैरह तुम यूज कर सकते हो, थोड़ी स्कोरिंग जी घट नहीं होगी, सो ये चीज़ का ध्यान रखियो, जे तुम आ टैंपलेट यूज करके आह सारिया मिसटेक्स जड़िया वा तुम ना करोगे, इन्ह लाइनों पिक ना करोगे, सिर्फ कोमा वगैरह वाली लाइन पिक कर लोगे, तुम राइटिंग की समरी के डिजायर स्कोर प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के उन सेंस समझ के लाइन फिर चकन की कोशिश कराया करो, जो बच्चे सेंस नहीं ना समझते गए सीधा चकन की करते हैं चक लो बस चक लो, उन्होंने नंबर नहीं आते गए, ये चीज़ को ध्यान रखियो, सो माइनर जो मिसटेक ने इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश करो, जो इंप्रूव कर लिया तो डिजायर स्कोर देना चाहेंगे, जे इदा ही थोड़ा साड़ी वीडियो वधिया लगती होंगे वा तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से वीडियो देखना चाहते हो, सो गुरविंदर पीटी के चैनल सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल में ऑन करना ना भुल्यो, जे वीडियो कुछ सीखने मिलता हों वीडियो को लाइक करके दोस्त मित्र शेयर जरूर कर दिया करो, उन्होंने भी बहुत सारिया चीज़ें जी सीखने मिल जा कर डिस्क्रिप्शन मैं अपना नंबर मैनशन किया हो तुम कम नंबर पर कॉल करके वट्सएप मैसेज करके मेरे तो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो कोई मेरे तो बधेरी जानकारी लेना चाहते हो तो भी तुम वट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग रह गया हो राइटिंग से रिलेटेड तुम मैंने कमेंट सैक्शन में पुछ सकते हो, मैं हरेक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, इतने थोड़े वास्ते वधिया वधिया वीडियो लैके आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स से अगली वीडियो जल्दी लैके आवेंगे, थैंक यू सो मच।